हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की क्लास में समझेंगे कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो और सैलरी पे करते समय आपको TDS काटना है तो उसकी एंट्री कैसे पास करनी है। अगर आप चाहते हो कि जब आप सैलरी पे कर रहे हो TDS का अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, तो वो सारी वर्किंग हम समझेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो जो भी आपने TDS पे करा है उसका चालान कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा है कि हमने एक कंपनी बनाई हुई ई काम के नाम से। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें आपकी जो कंपनी है उसमें TDS का फीचर एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको सिर्फ F11 प्रेस करना है और एरो डाउन से नीचे आना है, और यहाँ पे आपको राइट साइड पे ऑप्शन मिलेगा इनेबल TDS। आपको इसको यस करके एंटर पास करना है। फिर पूछेगा 10 नंबर। दोस्तों, 10 नंबर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने डिटेल्स बनाई हुई है इसकी। दोस्तों, 10 नंबर होता है आपका टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का आपका अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जो कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देती है। दोस्तों, 10 हम ऑब्टेन करते हैं कि अगर हमें TDS काटना हो अपने एम्प्लॉई का तो 10 नंबर लेना ज़रूरी है, या TDS TCS कलेक्ट करते हो तब भी ये ज़रूरी होता है। दोस्तों, जो 10 नंबर है, 10 डिजिट का नंबर होता है, इसके इनिशियल जो 4 डिजिट है ये अल्फ़ाबेट होते हैं, 5 डिजिट इसके होते हैं नंबर, और लास्ट आपका अल्फ़ाबेट होता है। दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हो और समझ सकते हो उसके बाद में। चलो, अब टैली में इसकी वर्किंग देखते हैं। हमने 10 नंबर लिख लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल DEL 1 2 3 4 5, और एक मैंने लिख लिया ई फॉर एग्जाम्पल। यहाँ भी सेम रिपीट कर लेते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपकी कंपनी है इंडिविजुअल है। अगर हमारी कंपनी है तो हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। डिटेक्टर ब्रांच, मान लो मेरी ब्रांच है तिलक नगर की, तो मैंने लिख दिया तिलक नगर। कह रहा है सेट ऑल्टर डिटेल ऑफ पर्सन, इसे गैस करना है। यहाँ पे डिटेल्स उस पर्सन की आएगी जो TDS काटेगा। जैसे मान लो आपकी कंपनी में अकाउंटेंट है जो TDS काटता है एम्प्लॉयज़ का, तो उसके बारे में सब कुछ आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएगी। वी आर रिज्यूमिंग हमारे अकाउंटेंट का नाम है राम शर्मा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे राम शर्मा। इनके फादर का नाम है श्याम शर्मा। डेजिग्नेशन ये अकाउंटेंट है। पैन नंबर इनका लिख लेते हैं, हम रिज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A, और बाकी डिटेल्स की फिल कर देते हैं। कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल, पहला काम तो यह है कि आपको TDS का फीचर एक्टिवेट करना है। अब हमें एंट्री पास करनी है, अब वाउचर पे जाना है। तो वी आर रिज्यूमिंग कि हमने अप्रैल मंथ की सैलरी पे करनी है जो कि हम पे करेंगे मई में। तो डेट आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर मई की, आपने 1 मई सिलेक्ट कर लिया। पहले आप एंट्री पास करो जर्नल में, क्योंकि पहले हम बिल की एंट्री पास करेंगे फिर पेमेंट की करेंगे। और बिल की एंट्री पास करने के लिए आपको जर्नल में जाना होगा। आपको पे करना है सैलरी, तो आपने ओल्ड सी से बनाया सैलरी का लेजर। सैलरी हमारा खर्चा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपको इसमें रिकॉर्ड करना है। सिंपल, उसके बाद यहाँ पर TDS एप्लीकेबल आ रहा है, इसको एप्लीकेबल करना है। सिंपल, और नेचर पेमेंट में आपको यहाँ से यहाँ पर करना है एनी। सिंपल, और इसको सेव करना है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। हमने एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि हमारे 2 एम्प्लॉई है, एक है सलमान खान और एक अक्षय कुमार। सलमान खान की सैलरी है जो 50,000 रुपये पर मंथ है, तो एक साल में वो कमाएंगे 6 लाख रुपए, और इसके ऊपर हमने टैक्स भी कंप्यूट करा हुआ है। एक साल का टैक्स निकल रहा है 32,500, और 1 महीने का निकल रहा है 2,708। और अगर इसकी परसेंटेज में हमने वैल्यू निकाली है 5.42, कैसे वैल्यू निकली है, हमने इसमें सिर्फ कुछ नहीं करा, हमने देखा कि 1 महीने का टैक्स कितना है 2,708.33, इसको डिवाइड कर दिया 1 महीने की सैलरी से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो आपका अमाउंट आ गया 5.42%। ये हमारा अमाउंट निकल गया है। इसी तरह हमने आकाश अक्षय कुमार जो है उसकी वर्किंग भी करी हुई है, इसको भी हम आगे समझेंगे। अभी बात करते हैं सलमान खान की सैलरी की। तो दोस्तों, सिंपल, यहाँ पर हमने लिखा सलमान खान की सैलरी 1 महीने की है 50,000 रुपये। यहाँ पर कह रहा नेचुरल पेमेंट, तो यहाँ पर आप ओल्ड सी करके यहाँ पर आपको बनाना है। जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो सलमान खान को, तो उसके नाम से बनाओगे आप सैलरी। सिंपल लिखना है आपको सैलरी फॉर सलमान खान। सेक्शन ही कवर होता है 192, 92B के अंदर कवर होता है।
और रेट हमने निकाला था अभी इसका 5.42। आपको सिंपल यहाँ पर रेट डिफाइन करना है, लिमिट अभी कुछ नहीं लिखना, इसको एंटर पास करना है। इसके बाद किसको पे कर रहे हो सैलरी, सलमान खान को, तो आपने ओल्ड सी करा, यहाँ लिखा आपने सलमान खान। ये हमारा होगा क्रेडिटर, आपको सिंपल ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर इसको यस करना है, ये हमारा इंडिविजुअल है तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यस करना है। और दोस्तों याद से आपको पार्टी का जो भी आपका जिसको भी आप सैलरी पे कर रहे हो उसका पैन नंबर डिफाइन करना है। दोस्तों अगर पैन नंबर नहीं डालोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट निकलेगा 20% जो रेट, तो पैन नंबर आपको याद से लिखना है यहाँ पर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1234, ये हमने एज्यूम कर लिया इसका पैन नंबर। दोस्तों आप देखोगे कि हमारा अमाउंट अपने आप कट होके आ गया है, आपको एंटर पास करना है, न्यू रेफरेंस आ गए हैं हमारा अपने आप, और जो पैसा आपका TDS का कटा है वो भी आपका अपने आप निकल जाएगा 2710। देखो हमने निकाला कितना था, 2708 आया था, तो राउंड ऑफ करके उन्होंने 2710 निकाल दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल बनाना है TDS ऑन सैलरी, ये आ जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सिंपल, ये TDS है आपका, यहाँ पे एनी रहेगा और इसको आप सेव कर दोगे। देखो अमाउंट आपका अपने आप आ गया, नरेशन लिख के आप सेव कर दोगे। अब सलमान खान को सैलरी पे करनी है तो हम सैलरी पे कर देंगे, पेमेंट में जाएंगे, डेबिट कर देंगे सलमान खान को। तो अभी हमें पेमेंट करना है 47290 अगेंस्ट, बिल नंबर आ गया हमारा और इसको हम बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो एक लेजर बना लेते हैं HDFC बैंक का, बैंक बैंक में आएगा हमारा और ये हम इसको पेमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों हमें जो TDS हमने काटा है वो भी जमा करवाना होगा, अब उसकी पेमेंट कैसे करनी है, उसके लिए आपको जाना है होम पेज पर और आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, आपको यहाँ पर जाना है। इसके बाद आपको जाना है स्टैचुरी रिपोर्ट्स पे, उसके बाद आपको जाना है TDS रिपोर्ट्स पे, सिंपल आपको जाना फॉर्म 26Q पे जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टैट पेमेंट, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। देखो यहाँ रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि अभी हमने 50,000 सैलरी पे कर दी तो कितना TDS काटा था और कितना हमें जमा करवाना है। तो स्टैट पेमेंट पे आपको यहाँ पर गए, यहाँ पे सेलेक्ट करा आपने TDS, आप सैलरी पे कर रहे हो अप्रैल मंथ की, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल डेट आएगी यहाँ पर, बट अभी हम एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं तो डेट चेंज नहीं हो पाएगी, तो एक दिन फालतू ले लेते हैं हम, 1 मई लिख लेते हैं। यहाँ पर डेट आ गई, आप कब जब पे कर रहे हो, 1 मई आ गए आपके यहाँ पर, सेक्शन 192 आ गया आपका, सैलरी फॉर सलमान खान आ गया आपका, ये नॉन कंपनी है सलमान खान, नॉन कंपनी है तो वो आ गया आपका, और पेमेंट हम कर रहे हैं बैंक से सिंपल। तो ये आपने एंट्री पास कर दी। दोस्तों अगर यहाँ पर आप TDS का चलान निकालना चाहते हो तो कंट्रोल पी से प्रिंट करोगे, प्रीव्यू के लिए आई करोगे तो आपका चलान भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। जूम के लिए आप करोगे ऑल्ट जेड, तो ये सिंपल TDS का चलान है, आप देख सकते हो यहाँ पर 285 चलान का नंबर है, असेसमेंट ईयर भी आ गया आपका, डिटेल सारी फिल हो चुके हैं यहाँ पर, कितना कितना आपको पे करना है, आप इसका प्रिंट निकाल के सिंपल टैक्स आप बैंक में जमा करवा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हमने अभी एक एम्प्लॉई की एंट्री पास करी है, अब हमारा एक एम्प्लॉई और है उसकी एंट्री भी पास करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों उसकी भी एंट्री पास करते हैं, वाउचर भी चलते हैं। तो पहले हम जर्नल में एंट्री पास करके ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बिल रेस करना है, डेट भी ध्यान रखनी है आपकी 1 मई रहेगी हमारी, क्योंकि अप्रैल की मंथ की सैलरी मई में पे करेगी, यहाँ पर आपको सैलरी पे करनी है। तो हमारे एग्जांपल में जो सैलरी है वो कितनी है, 1 लाख रुपये पर मंथ सैलरी अक्षय की, तो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है 1 लाख रुपये। इसके बाद फिर नेचर पे हम पूछेगा, तो फिर यहाँ पे ओल्ड सी करना है आपको और आपको बनाना है सैलरी फॉर अक्षय कुमार फॉर एग्जांपल, सेक्शन आपका 192 हो गया, 92B लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, और इसका जो हमने वैल्यू निकाली है रेट निकाला 14.38 निकाला हुआ है, 14.38, और इसको भी सिंपल आपको सेव करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बनाना है लेजर, बनाना है आपको सिंपल अक्षय कुमार का, तो ओल्ड सी करते हैं, अक्षय कुमार बनाते हैं यहाँ पर, ये भी आपका क्रेडिटर हो गया क्योंकि इसको पेमेंट करनी है हमें, यहाँ पर इसको यस कर देना आप, और यहाँ पर आपका इंडिविजुअल है ये भी अक्षय कुमार, पैन नंबर डिफाइन करना ज़रूरी है तो याद रखना आपको, ये हम एज्यूम कर रहे हैं पैन नंबर इसका, और इसको भी हम सेव कर देते हैं। दोस्तों ये भी अमाउंट आपका अपने आप निकलेगा, देखो एंटर पास करते और यहाँ पर आपका टैक्स कट जाएगा 14380,
एक्चुअल हमने जो निकाला था 14375 था ना, राउंड ऑफ करके 14380 आ गया आपका, और देखो TDS भी आपका अपने आप आ गया है। सेम इसी तरह सैलरी जब हम पे करेंगे तो हम पेमेंट पे एंट्री पास करेंगे। FI पे करा आपने, यहाँ पे आपने अक्षय कुमार लिखा, अक्षय को पेमेंट कर दी हमने 85620, और इसकी पेमेंट हमने कर दी, बिल आ गया हमारा। चेक से पेमेंट करोगे क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, कैश तो करोगे नहीं, तो बैंक लिख दिया हमने। तो दोस्तों ये पेमेंट भी हो गई हमारी बैंक से। अब हमें फिर से अगर टैक्स जमा कराना है, TDS जमा करवाना है, तो वो सेम प्रोसीजर है, आपको सिंपल डिस्प्ले में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है स्टैचुरी रिपोर्ट में, TDS रिपोर्ट में जाना है आपको, फॉर्म 26Q पे जाना है आपको। यहाँ पे फिर आपको देखो स्टैट पेमेंट आ रहा है आपको, यहाँ पर जाना है। TDS आ गया आपका 1 अप्रैल से 3 से पहले, तो एक दिन फालतू ले लेता है क्योंकि एजुकेशन मोड है, और ये 1 मई आ गया हमारा। 192 सैलरी फॉर अक्षय कुमार आ गया आपका, नॉन कंपनी है हमारा, और इसकी पेमेंट भी हम करेंगे बैंक से। तो देखो हमारा सब कुछ आ गया। सेम इसका भी चलान देखना है तो कंट्रोल बी करना है आपको, प्रीव्यू पे जाना है, तो ये चलान हमारा अक्षय का भी आ गया। दोस्तों इस तरह से आप जब भी सैलरी TDS काटोगे इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर दिया। सबसे पहले हमने देखा स्टेप नंबर 1 में कि TDS का फीचर एक्टिवेट कैसे करना है। उसके बाद हमने एक बिल जनरेट की, एंट्री पास करी जर्नल में। उसके बाद थर्ड में हमने जो भी सैलरी थी वो पे कर दी, पेमेंट कर दी। फोर्थ में हमने जो भी TDS का अमाउंट था वो पे कर दिया, और लास्ट में हमने देखा कि चालान कैसे इसका जनरेट होता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको आई थिंक अच्छी लगी होगी। कुछ भी आपको एक कमेंट हो, कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच।